क्या है गडकरी और मोदी के बीच की दूरी का राज? गडकरी से बदला ले रहे हैं मोदी शाह। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से क्यों निकाले गए गडकरी? नितिन गडकरी का कदम बीजेपी में अब बहुत छोटा हो गया है। कभी संघ के लाडले रहे नितिन गडकरी अब संघ से भी दूरी बनाता दिख रहा है। नहीं तो एक दौर वो था जब गडकरी के लिए संघ ने बीजेपी का संविधान ही बदलवा दिया था। बीजेपी में कहा जाता है कि मोदी शाह युग में गडकरी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो पीएम मोदी की हां में हां नहीं मिलाते। जो उनके दिल में होता है वो पार्टी के बैठक हो या सार्वजनिक मंच, वो खुलकर अपनी बात रखते हैं और शायद इसी बात की सजा उन्हें मिली हो। वैसे दावा किया जा रहा है कि गडकरी और मोदी की लड़ाई आज की नहीं एक दशक पुरानी है। जब नितिन गडकरी 2009 में पहली बार बीजेपी के अध्यक्ष बने तो उनकी उम्र उस समय 52 साल थी। उनके नाम सबसे कम उम्र में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड है। गडकरी को संघ के कहने पर ही पार्टी कमान दी गई थी। उस समय संघ वाजपेयी आडवाणी युग की ओर आगे सोच रहा था और नया नेतृत्व तैयार कर रहा था और उस दौड़ में गडकरी सबसे आगे दिखाई दे रहे थे। गडकरी को जब पार्टी का अध्यक्ष बनाया तो पार्टी का हर दिग्गज नेता उनसे मिलने दिल्ली पहुंचा और मिलकर बधाई दी, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री गडकरी को बधाई देने के लिए दिल्ली नहीं आए। गुजरात के मुख्यमंत्री उस समय नरेंद्र मोदी थे। गडकरी ने पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी में अलग थलग पड़े संजय जोशी को सक्रिय कर दिया, उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह भी दे दी, जिसके बाद गडकरी और मोदी के रिश्ते और भी ज्यादा बिगड़ गए। दरअसल संजय जोशी को नरेंद्र मोदी का कट्टर विरोधी माना जाता था और संजय जोशी के चलते ही मोदी को बीजेपी ने गुजरात से दूर किया था। और जब पार्टी को पहली बार गुजरात में सरकार बनाने का मौका मिला तो संजय जोशी ने केशुभाई पटेल का नाम आगे कर दिया। ये वो दौर था जब संजय जोशी का कद पार्टी में मोदी से बड़ा था। ऐसे में लेकिन मोदी जब गुजरात के सीएम बने तो फिर उन्होंने पलटकर पीछे नहीं देखा। ऐसे में जोशी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई तो मोदी नाराज हो गए। नरेंद्र मोदी ने खुलकर तो अपनी नाराजगी का इजहार नहीं किया, लेकिन जब 2012 उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए तो मोदी ने प्रचार करने से इनकार कर दिया। दरअसल गडकरी ने संजय जोशी को यूपी विधानसभा चुनाव का संयोजक बना दिया था, जो मोदी को पसंद नहीं आया। इसी साल मुंबई में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो मोदी ने बैठक में न आने के संकेत दे दिए। साफ था कि संजय जोशी की उपस्थिति में वो किसी भी बैठक में शामिल होने को तैयार नहीं थे। मजबूरी में गडकरी को संजय जोशी से इस्तीफा मांगना पड़ा। जोशी ने इस्तीफा दिया, उसके कुछ ही घंटों पर मोदी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंच गए। दावा किया जा रहा है कि इसके बाद से ही गडकरी और पीएम मोदी के बीच के संबंध सामान्य नहीं हो पाए। सिर्फ मोदी ही नहीं, गडकरी के संबंध केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी सामान्य नहीं है, क्योंकि जब गडकरी पार्टी अध्यक्ष थे तो उस समय अमित शाह के गुजरात के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी। अमित शाह उस समय दिल्ली में ही रहते थे, पार्टी कार्यालय उनका ठिकाना बना हुआ था। गडकरी से मिलने के लिए अमित शाह को घंटों इंतजार करना पड़ता था। दावा यह भी किया जाता है कि गडकरी ने इस मामले में अमित शाह की मदद भी नहीं की थी। हाँ, उस दौर में अरुण जेटली जरूर शाह के बचाव में खुलकर सामने आए थे। शाह का खाना भी जेटली के घर से ही आता था। ऐसे में जब पार्टी पर मोदी और शाह का प्रभुत्व बढ़ा तो धीरे धीरे गडकरी के पर कटने शुरू हो गए। और जब 2014 में पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने और इसी साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी तो गडकरी की जगह देवेंद्र फडणवीस को राज्य का सीएम बनाया गया। और अब गडकरी को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और चुनाव समिति से बाहर किया जाना संकेत दे रहा है कि मोदी शाह की गडकरी से ये दूरी अभी भी बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी में इस समय जो कुछ भी होता है वो मोदी शाह की अनुमति से ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।